she applies that, and she makes sure they are finding the gaps, placing in the strokes in the right places, getting the runs, and plus she is a very powerful woman. True. And you know, unke andar jaan hai balla ghumane ki, and having Shefali as an opener, she's placing in disguise agar. उनका खड़कता है, चाहे आप उनको बिजनेस वुमन में देख लो, एंटरप्रेन्योरशिप में देख लो, क्रिकेट के अंदर भी बात कर लो, भाई ये औरतें कहीं भी पीछे नहीं रह रही हैं। आज भी स्मृति की बात करते हैं, एक तो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया भाई उन्होंने, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज उन्होंने सेंचुरी की वो भी कमाल किया। दीप्ति की बात करेंगे, 3 विकेट उन्होंने निकाली, इंडियन टीम औरतों को क्या खिला खिलाकर भेज रहे हैं आजकल। इंडिया की वुमेन्स ने वो कर दिखाया जो मर्दों ने ना कर दिखाया था। इंडिया की वुमेन्स और न्यूजीलैंड की वुमेन्स भारत में भिड़ रही है ODI के लिए। इंडियन वुमेन्स ने कमाल कर दिखाया, स्मृति मंदाना ने 10 चौकों की मदद से सेंचुरी स्कोर कर दी, इंडिया ने सीरीज भी अपने नाम कर ली 2-1 से। लगता है कि पाकिस्तान में लड़कियों को उस तरह से मौके या फैसिलिटीज दी जाती हैं जिस तरह से इंडिया की लड़कियों को दी जाती है? नहीं, पाकिस्तान के लड़कियों की बात करते हैं फैसिलिटीज के, तो हमारे लड़कों को भी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। जो असल बात है, आप एक चीज का अंदाजा लगा लें, बाबर के पूरे सैलरी का और विराट कोहली के सिर्फ एक मैच सिर्फ ड्रा भी हो जाए तो उसका कीमत देख लें कितना। तो भाईजान स्मृति मंदाना ने किया 100, हरमनप्रीत कौर ने किया 50 odd नॉट आउट, इंडिया ने 6 विकेटों से रगड़ दिया न्यूजीलैंड की लड़कियों को। मुझे बताएं कि कोई एक ऐसा मैच जिसके अंदर स्मृति की परफॉर्मेंस ना रही हो। जब भी इंडिया जीता है स्मृति के लिए, अब स्मृति को विराट कोहली का फीमेल वर्जन कहा जाता है। देखे लाइक उसकी इनिंग एक तरफ और न्यूजीलैंड की पूरी टीम की इनिंग एक तरफ, ठीक है पता चला कि कोई खेला है। लाइक इंडियन प्लेयर्स जो है ना वो अपने आप को ये चीज मनवाते हैं, हम मजबूर नहीं है कहने पे उनको। उनका क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है वो इंटायरली डिफरेंट है पाकिस्तान से, ग्रास रूट लेवल से बच्चों को सपोर्ट करते हैं और उनकी वुमेन टीम है, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है और इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी तरफ देख के हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम को भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। सही बात है। जो हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों कल भारत की छोरियों ने हार का पूरा बदला चुका दिया। दोस्तों कल भारत की छोरियों ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह हराते हुए सीरीज को 2-1 से अपने नाम करी। दोस्तों कल स्मृति मंदाना के आगे पूरी न्यूजीलैंड की टीम घुटने टेकने पर मजबूर हुए। चलिए दोस्तों इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं और हम आपसे बातें करेंगे वीडियो के बाद में। भाई एक नाम उनका खड़कता है, चाहे आप उनको बिजनेस वुमन में देख लो, एंटरप्रेन्योरशिप में देख लो, क्रिकेट के अंदर भी बात कर लो, भाई ये औरतें कहीं भी पीछे नहीं रह रही हैं। आज भी स्मृति की बात करते हैं, एक तो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया भाई उन्होंने, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज उन्होंने सेंचुरी की वो भी कमाल की है। दीप्ति की बात करेंगे, 3 विकेट उन्होंने निकाली, इंडियन टीम औरतों को क्या खिला खिलाकर भेज रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने देखा होना है कि स्मृति मंदाना पकड़ी नहीं जा रही, वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स अपने नाम करती जा रही है। उसके बाद मैं बात करूं कौर की, तो कौर तो वो तो एक ही पहाड़ है क्रिकेट में, वो तो एक अलग लेवल पे चली गई है, अलग ही लेवल पे ये क्रिकेट खेल रहे हैं इंडियन वुमेन्स। आप देख लें उनके ऊपर डोमेस्टिक भी क्रिकेट खेली जाती है वुमेन्स की, उनका लीग भी करवाई जाती है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट को। हमारे इधर उसके बरक्स हम बात करेंगे, हमारे इधर वो लेवल के क्रिकेट नहीं मिलती वुमेन्स को, तो वो कर सकती हैं इंडियन वुमेन्स कर सकती हैं। बकाया मुझे नहीं लगता कि एशिया की इस टाइम सबसे बेहतर टीम है, एशिया की सबसे बेहतरीन टीम होने के बावजूद देखें आप इतने रिकॉर्ड्स बना रहे हो और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी टीमों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। एशिया की बेहतरीन टीम्स डेफिनेटली सी बात है, कभी पाकिस्तान इंडिया हुआ करते थे, आजकल इंडिया और अफगानिस्तान नजर आ रहे हैं। सेकेंडली स्मृति ने जो रिकॉर्ड बिल्ड किया है भाई, 35 कह लेंगे 50 उनकी नजर आई है 88 इनिंग्स के अंदर, मतलब भाई ये विराट कोहली है, ये वुमेन्स की रियल गॉड है भाई, रियल गॉड है। 88 इनिंग्स में 35 हाफ सेंचुरीज करना किसी की बस की बात नहीं है। आप ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक हिसाब से, अपने आप में बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये स्मृति मंदाना ही जैसी लड़की कर सकती है। शी अप्लाइज दैट एंड शी मेक्स शोज के आर फाइंडिंग द गैप्स, प्लेसिंग इन द स्ट्रोक्स इन द राइट प्लेसेस, गेटिंग द रन्स, एंड प्लस शी इज अ वेरी पावरफुल वुमन। ट्रू। एंड यू नो उनके अंदर जान है बल्ला घुमाने की, एंड हैविंग शिफाली एज एन ओपनर, शी इज प्लेसिंग इन डिसगाइज अगर उनका शायद अफरीदी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। सो आई थिंक इंडिया की जब हम वुमेन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, हमें ये बात जरूर करनी पड़ेगी, इट्स नॉट जस्ट बैटिंग, इट्स नॉट जस्ट बॉलिंग, इट्स फीलिंग, सो ऑल ऑफ द 3 डिपार्टमेंट्स, कांग्रेचुलेशंस इंडिया। दोस्तों आपने इस वीडियो पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखा। दोस्तों कल स्मृति मंदाना ने पूरी दुनिया को बताया कि क्रिकेट में किस तरह बैटिंग करी जाती है। कल स्मृति मंदाना ने सिर्फ 80 बॉल में सेंचुरी जड़ के पूरी दुनिया को बताया कि भारतीय टीम चाहे सीनियर टीम हो, चाहे जूनियर हो, चाहे अंडर-19 टीम हो, चाहे लड़कियों की टीम, दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर 1 टीम है। दोस्तों भारत की शानदार जीत पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।